तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडुकेटर जी पे। जी हाँ, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे CGPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए जिलेवार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी सीरीज में हम लोग यहाँ पे रायपुर डिस्ट्रिक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बेसिकली यहाँ पे सेकेंड लेक्चर है, दो लेसन में हम लोग कम्प्लीट करने वाले थे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रायपुर का भौगोलिक परिचय देखा था और वहाँ के जितने भी आपके उद्योग हैं तो इन सब चीज़ों पर मुख्यतः हम लोग फोकस थे और मैप के माध्यम से पूरा रायपुर को पढ़ने की कोशिश की थी कि वहाँ पे कौन कौन से आपका चाहे वो नेशनल हाईवे हो, रिवर हो, यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे और हम लोगों ने पर्यटन स्थल के बारे में चर्चा की थी कि वहाँ पे कौन कौन से आपके केंद्र और राज्य संरक्षित स्मारक हैं और जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल हैं। क्योंकि कुल मिला के आपका रायपुर जो आपका जिला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे हैं, आपको काफ़ी सारे कंटेंट मिलेंगे, चाहे वो इतिहास से जुड़े हों चाहे एट प्रेजेंट हो, चूंकि आपकी राजधानी भी यही है। तो यहाँ पे जो तीसरा लेक्चर भी होगा आपका नया रायपुर के ऊपर होगा। तो कुल मिलाकर रायपुर जो जिला जाने वाला आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट जाने वाला है। तो आज की इस लेसन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कुछ प्रमुख व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे जो कि आपके रायपुर से जुड़े हुए हैं और ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व की चर्चा करने और जो कि आपके इतिहास से जुड़े हुए हैं, कि जिनका इतिहास आपके रायपुर से कुछ ना कुछ संबंधित है या फिर इन्होंने रायपुर में कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया है। और साथ ही साथ लास्ट में कुछ करंट अफेयर के प्रश्न भी देखेंगे कि रायपुर में हाल ही में क्या कुछ ऐसी घटना हुई है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो कुल मिला के ये लेक्चर काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में हमारा सेकेंड संभाग चल रहा है आपका रायपुर संभाग। तो ये रायपुर संभाग में हमारा 4 जिले हो चुके हैं, अभी हमारा रायपुर जिला जो 5वां चल रहा है। इसमें इतने कुछ जो पॉइंट्स उसमें चर्चा करने वाले हैं, तो कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने पहले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, जो बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो हम लोग आज देखेंगे। ये मैप है, मैप के माध्यम से हम लोगों ने पहले लेक्चर में इसका एनालिसिस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर लगातार बने रहने के लिए और अपडेट्स ताकि आपको सबसे पहले मिल सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले अपडेट मिल सके, ताकि हम लोग के पास यहाँ पे मेंस के लिए भी लगातार वीडियोस अपडेट और अपलोड हो रहे हैं। बहुत लोग का मांग था कि मेंस में कैसा लिखा जाए, तो उस चीज़ के ऊपर भी और डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए अलग अलग लेक्चर, अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स हो रही हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सीधे यहाँ पे हम लोग पॉइंट उतरे, प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें, सबसे पहला नाम आता है आपका जो कि रायपुर से जुड़े हैं हुए आपके डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का, क्योंकि इनका जन्म है आपका रायपुर जिले के पथरी नामक ग्राम में। इनका जन्म है आपका 19 जुलाई 1900 को, डॉक्टर खूबचंद बघेल का जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम था आपका जुड़ावन प्रसाद, माता का नाम है आपका केकती बाई। महात्मा गांधी से ये प्रभावित होकर गांव गांव में घूमकर असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार करते हैं और 1930 में जो नमक सत्याग्रह होता है इसके दौरान शासकीय नौकरी छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए थे। 1940 के व्यक्तिगत सत्रह में तीसरी बार ये जेल गए और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पुनः 2.5 वर्ष की कठोर इनको कैद मिली। तो कुल मिला के यहाँ पे राष्ट्रीय जो आंदोलन में उनमें इनका काफी बड़ा योगदान रहा है डॉक्टर खूबचंद बघेल का, चाहे वो छत्तीसगढ़ से यहाँ पे लीडरशिप की बात करें कि जिस प्रकार से इन्होंने लीड किया और हर एक आंदोलन में अपना सहयोग यहाँ पे दिया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते व्यक्तित्व यहाँ पे डॉक्टर खूबचंद बघेल। ये बिलोंग कहाँ से करते, रायपुर जिले से। सेकेंड नाम आता है आपका डॉक्टर रामकृष्ण सिंह का, तो वे आपका रायपुर के विधायक रह चुके हैं आपके डॉक्टर रामकृष्ण सिंह। 1995 में इनके नेतृत्व में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1995 में इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी थी। पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा इनका विरोध किया गया था, ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप इतना याद रखेंगे कि डॉक्टर रामकृष्ण सिंह आपके कहाँ के, रायपुर के विधायक रह चुके हैं और 1995 में इनके नेतृत्व में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई थी। तीसरे हैं आपके आपके हाजी हसन अली, जो हाजी हसन अली का जन्म हुआ आपका 2 अक्टूबर 1913 को रायपुर में। ये आप जाने को जाते हैं तो ये आपके उर्दू शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1972 में इन्होंने मदरसा स्कूलों की स्थापना की थी और उर्दू की सेवा के लिए अनेकों सम्मान से नवाजा गया है, जैसे कि यहाँ पे मुजाफिर उर्दू, आदबे उर्दू, उर्दू रत्न, उर्दू रूहे उर्दू, उर्दू की जान और शान आदि जितने भी रत्न हैं हाजी हसन अली को यहाँ पे नवाजा गया उनसे। इनकाल की बात करें तो 72 साल की उम्र में 1985 को इनका यहाँ पे निधन हो गया। हाजी हसन अली के बाद हम लोग देखेंगे पंडित रामदयाल तिवारी को, तो पंडित रामदयाल तिवारी को आपका छत्तीसगढ़ को विद्यासागर कहते हैं।
इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना जो मेन आपको पढ़ना है गांधी मीमांसा और गांधी एक्सरेड। मोस्टली आपको याद रखना है गांधी मीमांसा, जो गांधी आपका एक्सरेड है वो आपका अंग्रेजी भाषा में, लेकिन गांधी मीमांसा कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। याद रखेंगे डॉक्टर पंडित राम दयाल तिवारी कहाँ से बिलोंग करते हैं, रायपुर से, और इन्हें क्या बोला जाता है छत्तीसगढ़ का विद्या सागर। इसके बाद है आपका जीडीसी भारती, याद रखेंगे जीसीडी भारती, जीसीडी भारती, इन्हें 2013 में पद्म पुरस्कार के साथ साथ भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे पद्म पुरस्कार के साथ इन्हें सम्मानित किया गया था कब, तो 2013 में। इसके बाद है आपका डॉक्टर अरुण दाबके, डॉक्टर अरुण दाबके भी आप कहाँ से है, रायपुर से है, इन्हें 2004 में भारत का चौथा सम्मान जिसे पद्मश्री कहते हैं इनसे आपका सम्मानित किया गया था। इनके क्षेत्र की बात करें तो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो संगीत के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया था सन 2004 में। और डॉक्टर अरुण दाबके है कहाँ से, आपके रायपुर से है। इसके बाद नाम आता है आपका अनुज शर्मा का, तो अनुज शर्मा को आप सभी जानते होंगे, तो इन्हें हम लोग क्यों जानते हैं, हमको पढ़ना क्यों है, तो दो चीजों के कारण। 2014 में इन्हें पद्म पुरस्कार मिला था, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम फिल्म व्यक्तित्व है। याद रखेंगे 2014 में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम फिल्म व्यक्तित्व है आपके अनुज शर्मा, और 2018 में इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी प्राप्त हुआ। तो हाल ही में याद रखेंगे दोनों चीजें अनुज शर्मा से रिलेटेड, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके रायपुर से। इसके बाद आते हैं आपके आते हैं शेखर सेन, तो शेखर सेन को भी 2015 में पद्म पुरस्कार मिल चुका है, और भारत सरकार द्वारा संगीत नाट्य अकादमी के अध्यक्ष भी नियुक्त हैं आपका, कौन, तो शेखर सेन। इसके बाद देखेंगे अशोक मिश्र, तो अशोक मिश्र के बारे में क्या है, तो ये दिल्ली में प्रकाशित होने वाले इंडिया न्यूज पत्रिका के संपादक रहे आपके, कौन, तो अशोक मिश्र। और भारत की खोज सुरभि के पटकथा के लेखक हैं आपके, कौन, तो अशोक मिश्र। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कवर्धा में बहुवचन पत्रिका के संपादक के पद पर कार्यरत हैं। तो इससे दो तीन चीजें आप याद रखेंगे, अशोक मिश्र से दिल्ली प्रकाशित होने वाले जो इंडिया न्यूज पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं, भारत की खोज सुरभि के पटकथा के लेखक हैं, ये बिलोंग कहाँ से करते हैं आपके, रायपुर से। इसके बाद आपका चार ये होता है आपका महाप्रभु वल्लभाचार्य, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे जब रायपुर के बारे में पढ़ रहे तभी इस चीज को पढ़ा था कि महाप्रभु जो वल्लभाचार्य कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके रायपुर के चंपारण से बिलोंग करते हैं, जिनका जन्म हुआ आपका 1479 में। इनके पिता का नाम है आपका लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम है आपका इल्लाम गास। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के आपके कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे, और इनके द्वारा रुद्र संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, और लास्ट आपको ये याद रखना है कि चंपारण को माघ पूर्णिमा में इनकी स्मृति में मेला का आयोजन किया जाता है। इसके बाद है आपके धर्मलाल सैनी, तो धर्मलाल सैनी याद रखेंगे कि 1992 में सामाजिक कार्य में उल्लेखनीय योगदान हेतु इन्हें पद्मश्री का सम्मान दिया गया था, कौन, तो आपके धर्मलाल सैनी। और लास्ट है आपके डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे, तो डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे क्या देखेंगे 2007 में शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में क्या मिला था, पद्मश्री। और ये सारे जो जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है, तो ये आपके बिलोंग करते हैं रायपुर से, इसलिए हम लोग इसे रायपुर के लेक्चर में पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज आप याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की जो इतिहास से जुड़े हुए हैं, और इतिहास में इन्होंने कुछ ना कुछ योगदान हमने रायपुर जिले में दिया है। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन, थोड़ा सा लेंथी जरूर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पहला नाम आता है आपका रामचंद्र देव का, तो रामचंद्र देव बेसिकली कलचूरी की रायपुर अर्थात लहुरी शासक के शासक थे आपके, कौन, तो रामचंद्र देव। इन्होंने रायपुर शहर बसाया जैसा कि आप सभी ने इतिहास में पढ़ा होगा, और रायपुर अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है। इन्होंने नागवंशी शासक भड़िक देव को पराजित किया था। तो ये सारी चीजें इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन याद रखेंगे मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने रायपुर शहर बसाया था। ये आपने कई बार एग्जाम में पूछा था कि रायपुर शहर किन्होंने बसाया था, तो रामचंद्र देव ने। अब इन्हीं के जो अगले वंशज हैं याद रखेंगे वो इम्पोर्टेंट है आपका ब्रह्म देव, तो कलचूरी के रायपुर शाखा अर्थात लहुरी शासक याद रखेंगे शासक थे भी, और ब्रह्मदेव के दो शिलालेख आपके रायपुर और खल्लारी से प्राप्त हुए हैं। 1409 ईस्वी में रायपुर को अपनी राजधानी बनाते कौन, तो ब्रह्मदेव। यहां से देखेंगे दो अलग फैक्ट निकले कि रायपुर शहर बसाया कौन, रामचंद्र देव, रायपुर को राजधानी किन्होंने बनाया, तो ब्रह्म देव। तो दोनों आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रायपुर में जो दूधाधारी मठ है उसका निर्माण भी कराया होगा किन्होंने, तो ब्रह्म देव ने। और 1415 ईस्वी में देवपाल नामक एक मोची ने खल्लारी में या फिर खल्लवाटी का महासमुंद में
खल्लारी देवी माँ का मंदिर बनवाया। तो इन्हीं के शासन काल में ये आप जो ये जो काम हुए हैं, तो इसलिए ब्रह्मदेव को किन किन कामों से याद रखा जाता है, तो याद रखेंगे पहला आपका कि 1409 ईस्वी में रायपुर को अपनी राजधानी बनाया कि इन्होंने ब्रह्मदेव ने, रायपुर में दूधाधारी मठ का निर्माण कराया कि इन्होंने ब्रह्मदेव ने, 1415 ईस्वी में इनके शासन काल में आपका खल वाटिका का निर्माण हुआ जिसे कि इन्होंने निर्मित कराया था आपका देवपाल मोची ने। तो यहाँ पे ब्रह्मदेव का सेक्शन कम्प्लीट हो गया। इसके बाद है आपके अमर सिंह। तो अमर सिंह आपके कलचूरी की रायपुर अर्थात लहरी शासक के आपके अंतिम शासक थे। 1750 में मराठों ने इन्हें हराता है और रायपुर राजीव व पाटन की जमींदारी दे देते हैं इन्हें, तो अमर सिंह को। 1757 में जब बिंबा जी का प्रत्यक्ष शासन आया तब शिवराज सिंह को महासमुंद के पास बड़गांव तथा चार अन्य गांव दिए गए तथा रायपुर के प्रत्येक गांव से एक एक रुपये का वसूली का अधिकार दिया गया। तो ये सारी चीजें आपकी इतिहास से जुड़े हुए जो कि अमर सिंह से जुड़े याद रखेंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज कि 1750 में मराठों ने हराया इन्हें और कहाँ कहाँ की जमींदारी दी थी, रायपुर राजीव व पाटन की। 1757 की बात करें तो आप सभी को पता है कि 1757 में बिंबा जी आप ही बोल सकते हैं मराठों का आपका प्रत्यक्ष शासन आता है। तब क्या होता है आपका शिवराज सिंह को महासमुंद के पास बड़गांव तथा चार अन्य गांव दिए गए तथा रायपुर के प्रत्येक गांव से एक एक रुपये वसूली का अधिकार दिया गया। एटलीस्ट ऊपर के दो पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तीसरा याद नहीं भी रहा तो चलेगा। इसके बाद आपके कैप्टन एग्न्यू काफी इम्पोर्टेंट, इनसे दो तीन चीजें जो जुड़ी हुई बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला तो ब्रिटिश सुप्रीडेंट 1818 से 1825 था तथा नागपुर के रेसिडेंट के अधीन कार्य करता था। आप सभी को पता है कैप्टन एग्न्यू आपका ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट रहे हैं। आपने उम्मीद करता हूँ आपने छत्तीसगढ़ इतिहास पढ़ा होगा, हम लोग यहाँ पे सेपरेट लेक्चर वो सभी के लिए लेंगे लेकिन जिले वाला अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कैप्टन एग्न्यू की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी 1818 में रतनपुर से रायपुर परिवर्तन किया। ये प्रश्न आपने कई बार एग्जाम में पूछा आता है कि रतनपुर से रायपुर राजधानी किन्होंने परिवर्तन किया, तो याद रखेंगे कि कैप्टन एग्न्यू ने 1818 में रायपुर रतनपुर से राजधानी को कहाँ आपका ट्रांसफर किया, तो रायपुर किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है रतनपुर से रायपुर राजधानी परिवर्तन करना 1818 में किसके द्वारा, कैप्टन एग्न्यू के द्वारा। दूसरा चीज याद रखेंगे इनसे कि 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित किया और कौन कौन से थे वो 8 परगने, रायपुर रतनपुर धमतरी दुर्ग नवागढ़ खरौद राजहरा और बदौर, ये कुछ 8 परगनों में सीमित किया 27 परगनों को। एक इम्पोर्टेंट चीज है कि शासन व्यवस्था में सुधार है तो तीन कर्मचारी नियुक्त किए, पहला आपका बरार पांडे पोतेदार, तीसरा अमीन की नियुक्ति, तीन की यहाँ पे नियुक्ति की, बरार पांडे पोतेदार और तीसरा आपका अमीन की नियुक्ति की। इसके बाद देखते हैं आपका सोना खान का विद्रोह, परालकोट का विद्रोह, इन्हीं के शासन काल में आपका कैप्टन एग्न्यू की, उसमें अगर पूछा कि ब्रिटिश सुप्रीम कौन थे तो आपके कौन थे, कैप्टन एग्न्यू। इसके बाद देखेंगे स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद का देखेंगे आपका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के कुलीन बंगाली परिवार में हुआ है। अब हम इनको रायपुर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके 1870 से 1879 दो वर्ष इन्हें रायपुर में गुजारे, तो हमारा पढ़ने का कारण यही है थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था आपका, नरेंद्र दत्त था। इनके पिता का नाम था आपका विश्वनाथ दत्त जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील भी रह चुके। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना और 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। 14 वर्ष की उम्र में 1870 में रायपुर आए, तो जब ये 1870 में रायपुर आते इनकी उम्र थी केवल 14 वर्ष और 1870 से 1879 दो वर्ष तक रायपुर में रहे, तो यही कारण है कि हम लोग स्वामी विवेकानंद को यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपका। इसके बाद है आपके मोहम्मद हिदायतुल्ला, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला का जन्म आपका 17 दिसंबर 1905 को, कब तो 17 दिसंबर 1905 को। इनके पिता का नाम था आपका मुंशी कुदारतुल्ला जो कि वाराणसी में वकील थे, कौन था आपके मुंशी कुदारतुल्ला, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश, कब से कब तक, तो 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक, 68 से 70 याद रखेंगे। मोहम्मद हिदायतुल्ला आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इसके बाद आपके वामन राव लाके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत बहुत आपका बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में इनका भी छत्तीसगढ़ की ओर से काफी अहम योगदान रहा है। इनका जन्म आपका हुआ 1872 में रायपुर में, पिता का नाम इनका बलिराम लाखे और रायपुर के 5 पांडव जो कि आपका नियुक्ति किया गया था उनमें से एक जो युधिष्ठिर थे उनका नाम आता है आपका वामन राव
लाखे को। तो इनको युधिष्ठिर की उपाधि दी गई थी। 1916 में ये राय साहब की उपाधि त्याग देते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान, और 1920 में लोकप्रिय की उपाधि मिलती ही है। जब ये राय साहब की उपाधि त्याग देते हैं तो 1920 में जो वहां की जनता है तो इन्हें क्या चीज की लोकप्रिय की उपाधि से नवाजते हैं। तो ये सारी इतिहास की चीजें, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक बार रिवाइज कर ले रहे ताकि आपकी एक अच्छी पकड़ हो जाए। छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका जो कि छत्तीसगढ़ मित्र है, इसका प्रकाशन याद रखेंगे किन्होंने किया है, तो वामन राव लाखे ने। यहाँ पे दो चीजें आपका यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे आपका कि माधव राव सप्रे और वामन राव लाखे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रकाशन का, ना कि संपादन का। संपादन का बात आएगा तो आपका याद रखेंगे माधव राव सप्रे, 1900 में पत्रिका आपका याद हुई है। ये याद होगा को बिलासपुर से आपका कहा, तो ये सारी चीजें को याद रखेंगे कब, तो 1900 में, और 1903 में ये बंद हो गया था। बिलासपुर से पेंडर रोड में प्रकाशित होती थी ये पत्रिका आपका छत्तीसगढ़ मित्र है। इसके बाद देखेंगे रायपुर में कोऑपरेटिव बैंक और बड़ौदा बाजार में किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना की किन्होंने, तो वामन राव लाखे ने। कहा रायपुर में आपका कोऑपरेटिव बैंक और बड़ौदा बाजार में किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना किन्होंने किया है, तो वामन राव लाखे ने। तो ये सारे चीजें हैं या फिर ये सारे कारण जिनके द्वारा हमको इनको याद रखते हैं या फिर हमारे इतिहास में एक अहम जगह बनाते हैं वामन राव लाखे, उनका ये सब कारण है। इसके बाद देखेंगे आपका बालक बलिराम आजाद। तो बालक बलिराम आजाद की दो चीज आप याद रखेंगे, इनका जन्म है आपका 1918 में तारा सिंह नामक जो गांव है आपका रायपुर जिला में, और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वानर सेना का इन्होंने नेतृत्व किया था। जो वानर सेना का गठन किया गया था उनका नेतृत्व किया था किन्होंने, तो बालक बलिराम आजाद ने। और बालक बलिराम आजाद कहाँ से बिलोंग करते हैं आपके, रायपुर जिला से। ये चीज आप याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे आपको माधव राव सप्रे, जैसा कि मैंने बताया माधव राव सप्रे के बारे में, छत्तीसगढ़ पत्रकारिता के जन्मदाता है आपका। इनका जन्म हुआ था आपका 19 जून 1871 को दमोह जिले पथरिया ग्राम में, और सन 1900 में पेंड्रा जिले से पेंड्रा से छत्तीसगढ़ में तो साहित्य पत्र प्रकाशन आपका प्रारंभ किया। 1905 में बनारस अधिवेशन में प्रदेश का यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया, और छत्तीसगढ़ समाचार पत्र 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक रहे। याद रखेंगे यहाँ पे हम लोग बात करें संपादक की ना कि प्रकाशन की। 1908 में हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किन्होंने किया था, माधव राव सप्रे ने। तो इनका एक टैगलाइन याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जन्मदाता कौन रहे आपके, माधव राव सप्रे। और एक चीज आपका छत्तीसगढ़ मित्र का बोलेंगे आपका संपादक की बात करें तो वो इन्होंने किया माधव राव सप्रे ने, कहाँ से आपका पेंड्रा से, सन 1900। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। इसके बाद है आपके शिवदास डागा। तो शिवदास डागा का आपका जन्म हुआ 22 नवंबर 1885 को राजस्थान के बीकानेर में। कहां, तो आपका राजस्थान के बीकानेर में। अब हम इन्हें रायपुर में क्यों पढ़ रहे हैं, तो काम यह है कि छत्तीसगढ़ के पांडव में सहदेव की उपाधि मिली थी शिवदास डागा। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो 5 पांडव नियुक्त किए गए थे उसमें जो सहदेव था, तो सहदेव की उपाधि दिया गया था आपका शिवदास डागा को। उनके पितामह व्यवसाय के लिए रायपुर आने का उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई था आपका, रायपुर में हुई। इनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो कहाँ हुई है आपका, रायपुर जिले में हुई है। और 1920 में अंग्रेजी हुकूमत ने ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का महत्वपूर्ण इसका क्या पद दिया था किन्हें, तो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का पद दिया गया था आपको शिवदास डागा को, कब, तो 1920 में। डागा जी की बात करें तो इन्होंने गांधी जी से मिलने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन भाग लेने के लिए ठान लिया, और मजिस्ट्रेट का पद भी इन्होंने त्याग दिया, और रायपुर में हरिजन छात्रावास की स्थापना की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकलता है कि रायपुर में हरिजन छात्रावास की स्थापना किन्होंने की, इसका आंसर होगा आपका शिवदास डागा का। इनका निधन हो गया आपका 10 जून 1952 को। इसके बाद इंपॉर्टेंट आपके मुंशी अब्दुल रऊफ। जो मुंशी अब्दुल रऊफ है ये भी आपके 5 पांडव में से एक है, और इन्हें उपाधि मिला था आपका किसका, तो नकुल का। 1910 में नागपुर अधिवेशन में ये हिस्सा लिए थे, और 1921 में जिला खिलाफत कमेटी के मंत्री थे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जिला खिलाफत कमेटी के मंत्री कौन है आपके, मुंशी अब्दुल रऊफ। स्वतंत्रता आंदोलन के समय 5 पांडव में से एक थे आपके कौन, तो मुंशी अब्दुल रऊफ, और सभी स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया इसके साथ साथ। तो ये सारी चीजें हैं जिनके द्वारा हम लोग मुंशी अब्दुल रऊफ को याद रखते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपके महंत लक्ष्मी नारायण दास। तो जो महंत लक्ष्मी नारायण दास है, छत्तीसगढ़ के रायपुर पांडव भीम की उपाधि मिला था। याद रखेंगे भीम की उपाधि की नहीं मिली थी,
महंत लक्ष्मी नारायण दास को, और पंडित रविशंकर शुक्ल के साथ ये आपका नमक कानून तोड़ा था, इसलिए भी इनका योगदान रहा है कि नमक कानून तोड़ने में पंडित रविशंकर शुक्ल के साथ किनका नाम आता है आपका महंत लक्ष्मी नारायण दास का। इनकी अगुवाई में 1932 में विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई और रायपुर में गणेश उत्सव शुरू करने का श्रेय आता है आपका महंत लक्ष्मी नारायण दास को। ये आप याद रखेंगे रायपुर में गणेश उत्सव की शुरुआत किन्होंने की, तो महंत लक्ष्मी नारायण दास ने। और 1936 में गांधी चौक में कांग्रेस भवन बनाया। तो ये चीजें आप याद रख सकते हैं मोस्टली कि एक पहला लाइन आप याद रखेंगे कि जो आपके पांच पांडव नियुक्ति गए थे उसमें भीम की उपाधि किन्हें मिली थी आपके महंत लक्ष्मी नारायण दास को। इसके बाद देखेंगे आपको डॉक्टर राधा बाई, तो डॉक्टर राधाबाई का देखेंगे तो स्वराज आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर आंदोलन पर भाग लिए थे इन्होंने और प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर कांग्रेस द्वारा नियुक्त 8 डिक्टेटर मीन्स का नाम आता है किन्हें का, तो डॉक्टर राधा बाई का, जो कि 8 डिक्टेटरों की नियुक्ति हुई थी उनमें से एक नाम आपका किनका आता है डॉक्टर राधाबाई का। 1930 से 1942 तक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया और स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा कर 2 जनवरी को पंचतत्व में विलीन हो गई। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। मोस्टली इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 8 डिक्टेटरों में से एक थी आपकी कौन, तो डॉक्टर राधा बाई। रायपुर कांग्रेस द्वारा 8 डिक्टेटरों की यहाँ पे नियुक्ति की गई थी तो उनमें इनका नाम आता है। इसके बाद है आपके केतकी बाई, तो केतकी बाई याद रखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में इन्होंने एक कुछ अहम भूमिका निभाई थी। ये डॉक्टर खूबचंद बघेल की माता है आपकी कौन, तो केतकी बाई। कहाँ से बिलोंग करती है, रायपुर से। इसके बाद नाम आता है आपका बिन्नी बाई का, बिन्नी बाई को छत्तीसगढ़ की नगर माता के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, तो बिन्नी बाई को। और सन 2001 में इन्हें मिनी माता सम्मान प्रदान किया गया छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। बिन्नी बाई के बाद आपके पंडित रविशंकर शुक्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रायपुर जिले से। पंडित रविशंकर शुक्ल की बात करें तो 2 अगस्त 1870 को सागर नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था। शिक्षा की बात करें तो सागर और रायपुर में तिलक के विचार से प्रभावित होकर होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किए थे कौन, तो पंडित रविशंकर शुक्ल। और 1921 में कांग्रेस के औपचारिक सदस्यता ग्रहण की थी। 1922 की बात करें तो नागपुर में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता किन्होंने किया, तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने, कब, तो 1922 में। 1935 में महाकोशल साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। पूछा गया क्वेश्चन है कि महाकोशल साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किन्होंने किया, तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने, कब किया, तो 1935 में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व का भार छत्तीसगढ़ में किन्होंने संभाला था, पंडित सुंदर लाय, पंडित रविशंकर शुक्ल में। तो 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका नेतृत्व बोले कि मोस्टली जो बड़े पैमाने पर किन्होंने किया, तो वो थे आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। स्वतंत्रता से पहले 1946 में जो राज्य विधानसभा के आपके मध्य प्रांत में मुख्यमंत्री और अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। 1937 के चुनाव में ये नियुक्त हुए थे, आप याद रखेंगे। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। स्वतंत्रता के बाद रियासतों के विलय में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और छत्तीसगढ़ में आपका औद्योगिक क्रांति के समर्थक रहे आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना का श्रेय किन्हें आता है, आपका पंडित रविशंकर शुक्ल को ही जाता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 31 दिसंबर 1956 को कर्मठ राजनेता, महान शिक्षाविद तथा दूरदर्शी राजनेता का निधन हो गया आपका, कब, तो 31 दिसंबर 1956 को। और इनके सम्मान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्र में अच्छा प्रयास न करने के लिए, या फिर जो कोई भी अच्छा प्रयास करता है इस क्षेत्र में, उनको पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मानित किया जाता है। इसके बाद देखेंगे आपके पंडित श्यामा चरण शुक्ल, तो पंडित श्यामा चरण शुक्ल का जन्म आपका 27 फरवरी 1950 को रायपुर में। इनके पिता का नाम आपका पंडित रविशंकर शुक्ल, उन्हीं के बेटे थे आपके पंडित श्यामा चरण शुक्ल। इनके भाई थे आपके विद्या चरण शुक्ल। भारतीय कांग्रेस नेता, अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार सेवा किए। तो याद रखेंगे श्यामा चरण जो शुक्ल है वो आपके अविभाजित मध्य प्रदेश, मतलब जब छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तो उस समय ये 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने सेवा प्रदान किया है। और 1999 महासमुंद के
संसद सदस्य भी रहे हैं आपके, कौन? तो पंडित श्यामाचरण शुक्ल। इसके बाद है आपके क्रांति त्रिवेदी जी, ये भी आपके रायपुर से बिलोंग करते हैं। ये आपके जो क्रांति त्रिवेदी जी हैं आपके पंडित रविशंकर की पुत्री हैं, सुपित्र सुप्रसिद्ध कथाकार के रूप में जानी जाती है। कौन? तो आपके क्रांति त्रिवेदी जी। उपन्यास की बात करें तो मन की हार, ओस की बूंद, समर्पण और कथा संग्रह इनकी दीक्षा। कविता की बात करते हैं आपका फूलों का सपना, तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं क्रांति त्रिवेदी से। विशिष्ट महत्व की बात करते हैं, कुछ करंट अफेयर के प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके रायपुर जिले से जुड़े हुए हैं, तो उनमें देखेंगे रायपुर के बात करें तो पहला आपका स्वच्छ रेल रिपोर्ट 2017 में रायपुर रेलवे स्टेशन 109वें स्थान पर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ करंट के प्रश्न आप लोग देखें कि यहाँ पे यहाँ तक आपका जो प्रमुख व्यक्तित्व जो कि इतिहास से जुड़े, ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा है। इसके बाद देखते हैं देश का सबसे बड़ा कृषि संग्रहालय जो है आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर रायपुर में स्थापित होगा, ये आप याद रखेंगे। तीसरा आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नक्सल विरोधी अभियान कमान मुख्यालय कोलकाता से स्थानांतरित कहां होगा आपका? रायपुर में। तीसरा चीज याद रखेंगे देश का प्रथम बायोडीजल स्टेशन कहां होगा आपका? रायपुर में। पूछा गया प्रश्न है देश का प्रथम बायोडीजल स्टेशन कहां है आपका? तो रायपुर में। और यहां से आपका सुचिता योजना की शुरुआत किया गया है। आजकल ऐसे प्रश्न काफी बनते हैं कि इस योजना का शुरुआत कहां से किया गया, तो याद रखेंगे कि सुचिता योजना का शुरुआत कहां से किया गया आपका? रायपुर से। और देश का प्रथम बायोडीजल स्टेशन भी आपका कौन सा है? ये आपका रायपुर, ये आपका हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका मोहरेंगा, तो मोहरेंगा में याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का आपका नेचर सफारी कहाँ बनेगा आपका? मोहरेंगा में। जगह क्षेत्रफल की बात करें 1450 एकड़ या फिर 580 हेक्टेयर है। इसके बाद है आपका डूमर तराई, तो डूमर तराई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर एम्यूजमेंट पार्क और फूड जोन बनेगा, कहाँ आपका? डूमर तराई में। मुनगी की बात करें तो मुनगी में आपका राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित होगा, काफी इंपॉर्टेंट है मुनगी याद रखेंगे। मुनगी में आपका प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित होगा, कहाँ? था आपका मुनगी ग्राम रायपुर में। निनुआ की बात करें तो निनुआ आपका इसे इस ग्राम को आदर्श लोक शिक्षा ग्राम घोषित किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आदर्श लोक शिक्षा ग्राम किसे घोषित किया गया? तो ग्राम निनुआ को। केंद्रीय ग्रंथालय, केंद्रीय ग्रंथालय की बात करें तो रायपुर के BTI ग्राउंड में निर्माणाधीन केंद्रीय ग्रंथालय का नाम आपका क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया गया। तो याद रखेंगे किस ग्रंथालय का नाम आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया गया है? तो रायपुर के BTI ग्राउंड में निर्माणाधीन केंद्रीय ग्रंथालय का नाम आपका चेंज कर दिया गया है। इसके बाद है आपका सोनपैरी, तो सोनपैरी आपका बेसिकली है क्या? तो आकर्षण थाली योजना जो इसी ग्राम से प्रारंभ हुआ था, तो सोनपैरी में आपका क्या हुआ था? आकर्षण थाली योजना कौन से ग्राम से प्रारंभ हुआ था आपका? सोनपैरी से। इसके बाद देखेंगे तिल्दा, तो तिल्दा में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्रथम LPG रसोई गैस बॉटलिंग प्लांट जो प्लांट है वो स्थापित हो रहा है, कहाँ आपका? तिल्दा में। तो LPG रसोई गैस बॉटलिंग जो प्लांट है वो कहाँ स्थापित हो रहा है आपका? तिल्दा में। तेंदुआ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का प्रथम ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा आपका? तेंदुआ में। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय का जो 12वां खुलने वाला है वो कहाँ होगा आपका? तेंदुआ में। रायपुर में जनजाति की बात करें तो 5 जनजाति आपको याद रखने, गोंड, हलबा, कमार, बिंझवार और भुंजा, ये 5 प्रकार की जनजाति अपनी निवास करती है रायपुर में। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो रायपुर होता सेक्शन वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम नया रायपुर पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक ऐसा प्लेस छूट जाए कि आपका कहीं भी हो, तो चूंकि एक लेक्चर में इस सारे चीजों को कंपाइल करना थोड़ा सा टफ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे सेपरेट लेक्चर लेके आएंगे हम नया रायपुर के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये सारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ हमें आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरीज के फिर क्या कोई सुझाव सुधार या फिर आपको किसी प्रकार के गाइडेंस चाहिए CGPSC या फिर अन्य कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप बेझिझक इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आप तक हर प्रकार की वीडियो के अपडेट्स मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।